ओम शांति। 18 जनवरी 2002 की अव्यक्तवाणी है। टाइटल है स्नेह की शक्ति द्वारा समर्थ बनो, सर्व आत्माओं को सुख शांति की अंजलि दो। आज समर्थ बाप अपने स्मृति स्वरूप समर्थ स्वरूप बच्चों से मिलने के लिए आए हैं। आज विशेष चारों ओर के बच्चों में स्नेह की लहर लहरा रही है। विशेष ब्रह्मा बाप के स्नेह की यादों में समाए हुए है। ये स्नेह हर बच्चे के इस जीवन का वरदान है। परमात्मा स्नेह ने ही आप सबको नई जीवन दी है। हर एक बच्चे को स्नेह की शक्ति ने ही बाप का बनाया है। ये स्नेह की शक्ति सब सहज कर देती है। जब स्नेह में समा जाते हो तो कोई भी परिस्थिति सहज अनुभव करते हो। बाप दादा भी कहते हैं कि सदा स्नेह के सागर में समाए रहो। स्नेह छत्र छाया है। जिस छत्र छाया के अंदर कोई माया की परछाई भी नहीं पड़ सकती। सहज माया जीत बन जाते हैं। जो निरंतर स्नेह में रहता है उसको किसी भी बात की मेहनत नहीं करनी पड़ती है। स्नेह सहज बाप समान बना देता है। स्नेह के पीछे कुछ भी समर्पित करना सहज होता है। तो आज भी अमृत वेले से हर एक बच्चे ने स्नेह की माला बाप को डाली और बाप ने भी स्नेह स्नेही बच्चों को स्नेह की माला डाली। जैसे इस विशेष स्मृति दिवस में अर्थात स्नेह के दिवस में स्नेह में समाये रहे ऐसे ही सदा समाए रहो तो मेहनत का पुरुषार्थ करना ही नहीं पड़ेगा। एक है स्नेह के सागर में समाना और दूसरा है स्नेह के सागर में थोड़े समय के लिए डुबकी लगाना। क्या पसंद करेंगे, सभी समाना या डुबकी लगाना थोड़े समय के लिए? समाना ना कहें हाँ जी बाबा। तो कई बच्चे समाए हुए नहीं रहते हैं, जल्दी से बाहर निकल आते हैं, इसलिए सहज भी मुश्किल हो जाता है। तो समाना आता है, समाने में ही मजा है। ब्रह्मा बाप ने सदा बाप का स्नेह दिल में समाया, इसका यादगार कलकत्ता में दिखाया है। अब बाप दादा सभी बच्चों से यही चाहते हैं कि बाप के प्यार का सबूत समान बनने का दिखाओ। सदा संकल्प में समर्थ हो। अव्यर्थ के समाप्ति समारोह मनाओ, क्योंकि व्यर्थ समर्थ बनने नहीं देंगे। और जब तक आप 49 निमित्त बने हुए बच्चे सदा समर्थ नहीं बने हैं, तो निश्चय की आत्माओं को समर्थी कैसे दिलाएंगे? सर्व आत्माएं शक्तियों से बिल्कुल खाली हो शक्तियों की भिखारी बन चुकी है। ऐसे भिखारी आत्माओं को हे समर्थ आत्माएं इस भिखारीपन से मुक्त करो। आत्माएं आप समर्थ आत्माओं को पुकार रही है, इस भिखारीपन से मुक्त करो। अभी पुकार क्या रही है आत्माएं आप समर्थ आत्माओं को? हे मुक्तिदाता के बच्चे, मास्टर मुक्तिदाता, हमें मुक्ति दो। क्या ये आवाज आपके कानों में नहीं पड़ता है? पड़ रहा है आवाज, हाथ ऊपर करे, सुनने नहीं आता है? बाबा पूछ रहे, अब तक अपने को ही मुक्त करने में बिजी है क्या? विश्व की आत्माओं को बेहद स्वरूप से मास्टर मुक्तिदाता बनने से स्वयं की छोटी छोटी बातों से स्वतः ही मुक्त हो जाएंगे। अब समय है कि आत्माओं की पुकार सुनो। पुकार सुनने आती है या नहीं आती है? परेशान आत्माओं को सुख शांति की अंजलि दो। यही है ब्रह्मा बाप को फॉलो करना। आज विशेष ब्रह्मा बाप को याद ज्यादा किया ना। ब्रह्मा बाप ने भी सभी बच्चों को स्मृति और समर्थी स्वरूप से याद किया। कई बच्चों ने ब्रह्मा बाप से रूहरिहान करते मीठा मीठा उलाहना भी दिया कि आप इतना जल्दी क्यों चले गए, और
दूसरा उलहना दिया कि हम सब बच्चों से छुट्टी लेकर क्यों नहीं गए। तो ब्रह्मा बाप ने बोला कि मैंने भी शिव बाप से पूछा कि हमें अचानक क्यों बुला लिया। तो बाप ने बोला, अगर आपको कहते कि छुट्टी लेकर आओ तो क्या आप बच्चों को छोड़ सकते थे या बच्चे आपको छोड़ सकते थे? दोनों ही नहीं छोड़ते। तो आप अर्जुन का तो यही यादगार है कि अंत में नष्ट मोहा स्मृति स्वरूप ही रहे हैं। तो ब्रह्मा बाप मुस्कुराए और बोले कि ये तो कमाल थी जो बच्चों ने भी नहीं समझा कि जा रहे हैं और ब्रह्मा ने भी नहीं समझा कि जा रहा हूं। सामने होते भी दोनों तरफ चुप रहे क्योंकि समय प्रमाण संशोस फादर का पार्ट ड्रामा की नोंद थी। इसको कहते हैं वाह ड्रामा वाह। सेवा का परिवर्तन नोंधा हुआ था। ब्रह्मा बाप को बच्चों का बैकबोन बनना था तो अव्यक्त रूप में फास्ट सेवा का पार्ट बजाना ही था। विशेष आज डबल विदेशियों ने बहुत मीठे मीठे उलहने दिए हैं। पापा कहते हैं डबल फॉरेनर्स ने उलहने क्या दिए? डबल फॉरेनर्स ने ब्रह्मा बाप को बोला 3 साल आप रुक जाते तो हम देख लेते, सेवाएं फॉरेन की बाद में शुरू हुई। तो ब्रह्मा बाप ने हंसी में बोला, हंसी की तो ड्रामा से बात करो, ड्रामा ने ऐसा क्यों किया? लेकिन ये लास्ट सोपास का एग्जाम्पल बनना ही था, चाहे भारत में चाहे विदेश में। इसलिए अभी लास्ट सो फास्ट का प्रत्यक्ष सबूत दिखाओ। जैसे आज समर्थ दिवस मनाया, ऐसे ही अब हर दिन समर्थ दिवस हो, किसी भी प्रकार की हलचल न हो। जो ब्रह्मा बाप ने आज के दिन 3 शब्दों में शिक्षा दी, निराकारी निर्विकारी निरहंकारी, इन 3 शब्दों के शिक्षा स्वरूप बनो। मनसा में निराकारी, वाचा में निरहंकारी, कर्मणा में निर्विकारी, सेकंड में साकार स्वरूप में आओ, सेकंड में निराकारी स्वरूप में स्थित हो जाओ। ये अभ्यास सारे दिन में बार बार करो, ऐसे नहीं सिर्फ याद में बैठने के टाइम निराकारी स्टेज में स्थित रहो, लेकिन बीच बीच में समय निकाल इस देह भान से न्यारे निराकारी आत्मा स्वरूप में स्थित होने का अभ्यास करो। करेंगे ना सुबह निराकारी स्थिति में स्थित होने का अभ्यास बीच बीच में? ए हाँ जी बाबा। अच्छा, कल सुबह लाइव अमृत वेला मेडिटेशन 3:30 से 4:30, मुरली क्लास सुबह 5:45 और अव्यक्त वाणी का क्लास कंटिन्यूटी में रात्रि 9:45। ओम शांति।